आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार सन 2015 में जब लेखपाल भर्ती हुई थी तो इसकी जिम्मेदारी राजस्व परिषद को सौंपी गई थी। कुल पदों की संख्या लगभग 13,000 थी। तो इस बार सन 2018 में लेखपालों की संख्या यानी कि लेखपाल भर्ती में पदों की संख्या को घटा के 4,000 कर दिया गया है। ये लगभग एक तिहाई पद से भी थोड़ा कम है। तो इस बार प्रतियोगिता और भी कड़ी होने जा रही है। पिछली बार जिलेवार रिक्तियां घोषित की गई थी और जिस जिले में जितने पद थे उससे 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी के नेतृत्व में होने वाले साक्षात्कार के लिए इनवाइट किया गया था और उसके बाद जिलाधिकारी के नेतृत्व में ही मेरिट बनाकर जिले में लेखपालों की भर्ती कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था बदल चुकी है। योगी सरकार ने राजस्व परिषद से इसकी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लेकर UP SSC यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी सौंप दी है और निकट भविष्य में जल्दी इसका विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो जो प्रतियोगी लेखपाल बनना चाहते हैं, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ कि अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो जब ये निश्चित हो चुका है कि इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें प्रतियोगिता और भी कठिन होगी और ये भी निश्चित हो चुका है कि आगामी 3 महीने के पश्चात इसकी परीक्षा संभावित है, तो आपको इन बचे हुए दिनों का यानी लगभग 90 डेज का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें 80 नंबर का रिटर्न था, 20 नंबर का इंटरव्यू था और जो मेरिट बनाई गई थी वो 100 नंबर पर बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान में इंटरव्यू समाप्त है तो सिर्फ रिटर्न के आधार पर ही इसकी नियुक्ति होने जा रही है। तो आपको सिलेबस देख लेना चाहिए जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ और आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो एक खबर के माध्यम से मैं पूरी खबर आपको देना चाहता हूँ। सीएम योगी पलटेंगे अखिलेश यादव का एक और फैसला, फिर होगी लेखपालों की बम्पर भर्ती। यहाँ पर बम्पर भर्ती नहीं होगी, 4,000 भर्तियाँ हैं, ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पूरी न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार का एक बड़ा फैसला पलटने जा रही है। फैसला पलटने के बाद इसका सीधा असर लेखपाल भर्ती पर होगा क्योंकि अब लेखपाल भर्ती प्रक्रिया राजस्व परिषद से वापस लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इसी के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 4,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। तो फ्रेंड, जैसे कि न्यूज आती रहती है, कभी कभी पदों की संख्या 4,000 बताई जाती है, कभी कभी पदों की संख्या 5,300 के आसपास बताई जाती है। कुल कितने पद हैं? लगभग 5,000 पद होंगे, लेकिन कितने पद विज्ञापन में आएंगे ये तो विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। आगे की जानकारी यह है कि राजस्व विभाग में लेखपाल के करीब 4,000 पद वर्षों से खाली हैं क्योंकि सन 2015 के बाद से कोई भी भर्ती इस पर नहीं हुई है। राज्य सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। इसके बाद भी समाजवादी सरकार ने लेखपालों की भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के पास ही रखा। साथ ही आपको बता दें कि राजस्व परिषद द्वारा पहले की गई लेखपालों की भर्ती में धांधली के आरोप लग चुके हैं। ये बताया जा रहा था कि इंटरव्यू करते समय पैसे का लेन देन हुआ और गलत अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई, इसीलिए योगी सरकार यह अधिकार अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक लेखपाल प्रक्रिया राजस्व परिषद से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने से जुड़ा प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंजूरी के बाद राजस्व परिषद लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेगा। आयोग प्रस्ताव मिलने के बाद विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। अब नीचे देखिए इस भर्ती से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेखपाल भर्ती की पूरी प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑनलाइन करेगा। ये तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 2013 के बाद से जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं वो लगभग ऑनलाइन ही आवेदन लिए जाते हैं और परीक्षा भी ऑनलाइन होती है, लेकिन ये परीक्षा OMR सीट पर होगी। इसके लिए NIC से सॉफ्टवेयर भी तैयार कराया जा रहा है। इसी सॉफ्टवेयर से सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा जिससे भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन लेने से भर्ती में धांधली की संभावना कम होती है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया अपने तय समय से पूरा हो सकेगी, चयन प्रक्रिया में कोई भी देरी नहीं होगी। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1.5 महीने के बाद 15 अप्रैल के आसपास लेखपाल भर्ती का विज्ञापन
आ सकता है। अब एक संक्षिप्त सी नज़र डालते हैं इस पूरी भर्ती पर। इसके पहले 2015 में जो भर्ती हुई थी उसमें कुल पद थे 13,000। पिछली बार एनसीसी बी सर्टिफिकेट को भी वेटेज दिया गया था। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई थी। फीस थी ₹300 जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि एससी एसटी के लिए फीस रखी गई थी ₹150। तो पिछली भर्ती का ये क्राइटेरिया था जो कि इस भर्ती में भी काफ़ी प्रासंगिक होगा। पिछली बार जो परीक्षा का सिलेबस था उसमें सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए थे, 20 अंक के, गणित के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे। इस तरीके से 100 प्रश्न पूछे गए थे और अंकों की संख्या जो थी वो 80 अंक थे, यानी पूर्णांक 80 था। 20 अंक इंटरव्यू का था और मेरिट जो बनी थी वो 100 अंकों के आधार पर बनी थी। लेकिन वर्तमान चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, सिर्फ रिटर्न परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। तो अनुमान जो लगाया जा रहा है सिलेबस का उसके अनुसार, देखिए इसमें अंग्रेजी नहीं हुआ तो इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, लेकिन कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी इस बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए और वर्तमान में कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के लिए, और अब जबकि ये निर्धारित कर दिया गया है कि जितने भी लेखपाल और समुग्र के कर्मचारी होंगे सबको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की भी योजना बनाई जा रही है, तो ऐसे में कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित 25-25 प्रश्न 25-25 अंक के पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, एक गलत प्रश्न करने पर 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा। सामान्य ज्ञान में समसामयिकी के अंतर्गत स्टैटिक जीके और कंप्यूटर संबंधी प्रश्नों के अलावा कुछ प्रश्न लॉजिक से भी पूछे जा सकते हैं। इस बार की परीक्षा UP SSC कराएगा, ये तो आपको पता है। 4,000 पद अभी तक बताया जा रहे हैं लेकिन ये पद बढ़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए NIC सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। परीक्षा OMR सीट पर होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगी। वहाँ पर नॉर्मली आपको डार्ट पेन से गोले को काला करके परीक्षा देनी होगी आपको, और इसकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो इंटरमीडिएट पास होगी। 18 से 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य रहेगा। तो अगर आपने अभी तक, मैंने कि बार बार बताया है आपको कि जिनके पास CCC नहीं है कृपया वो CCC के लिए आवेदन कर दें, किसी संस्था के माध्यम से या डायरेक्टली भी आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के तीसरे माह में आपको एक परीक्षा देनी होती है, 1 घंटे की परीक्षा होती है, और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास CCC का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो CCC अवश्य कर लीजिए, नहीं तो फिर ये मौका भी आप गंवा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट में बस इतना ही। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है मैं तुरंत आपको अपडेट करूँगा। बस हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर मेहमान हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया जो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ स्टडी मटेरियल और PDF भी आपको मिल जाता है हमारे ग्रुप के माध्यम से। हमें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल का नाम है @StudyWithGyan, और हमारे फेसबुक पेज से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज को सर्च कीजिए StudyWithGyan Prakash नाम से। तो मिलते हैं आप सबसे एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब तक आता है एक लेटेस्ट अपडेट तब तक ले दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।